अब मुझे नहीं पता कि यस मैन जो चीफ सेलेक्टर है ये अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर रहा है या कोई और टीम सेलेक्ट करवा रहा है। बच्चे आप किसको कह रहे हैं? ये 17, 18, 19 साल के यासिर शाह थे उस कैंप में, यासिर इमाद वसीम थे उस कैंप में। हां, कितने लड़के अनाउंस हुए थे? 18 साल के 60 लड़के अनाउंस हुए थे, 70 लड़के अनाउंस हुए थे, तो उसमें से कितने थे? 35 से 34 वाले, 33 वाले कितने लड़के थे आप मुझे बताएं, कितने थे? नहीं तो मुझे नहीं, मगर अगर 34 यासिर कितने साल का? एक मिनट, यासिर कितने साल का? फिर मुझे एक बात बताएं, यासिर कितने साल का है? ये कोई ग्रूमिंग? यासिर कितने साल का था? यासिर कितने साल का है? हम अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को एक साइड पे फेंक दें, पहले बताइए। और हम कह नहीं जी, यासिर कितने साल का है? 33 साल का। अच्छा मुझे बताएं ना, यासिर कितने साल का है? 40 साल का। यासिर कितने साल का है? ऐसी लेट 30s, हां लेट 30s, ठीक है, इतना ही होगा जी। तो खुर्रम मंजूर क्यों नहीं है? फिटनेस, फिटनेस क्या? अगर फिटनेस की बात करते तो आपने इन चार को जब फिटनेस के लिए बुलाया था, एक बात भाई, आपने अगर इन चारों को फिटनेस के लिए बुलाया था तो खुर्रम मंजूर क्यों नहीं आ सकता? हमारे पास उस तरह नहीं है जिस तरह यासिर। नहीं 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 नहीं, बात ये नहीं है, ओपनर्स भरे पड़े हमारे पास, बात ये नहीं है। खुर्रम के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। क्या किस चीज का कंपटीशन? ओपनर्स भरे पड़े, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाला वो प्लेयर, ना एज खुर्रम की साइड, ना फिटनेस खुर्रम की साइड। 40 साल का यासिर शाह कैंप में, वो एज है शान मसूद भाई, रिप्लेसमेंट 40 साल का, वो 36 साल। नहीं नहीं यार, यासिर शाह की रिप्लेसमेंट आप मुझे बताएं, यासिर शाह की आपके पास लेग स्पिनर कौन है इस वक्त? कोई नहीं है। खुर्रम जिस नंबर पे बैटिंग करता है यार, आपके पास शान मसूद की जगह नहीं बन रही है। यासिर आप कह रहे हैं खुर्रम मंजूर? नहीं नहीं, मैं खुर्रम मंजूर की बात क्यों, काफी सेल्फिश नहीं, नहीं। बैटिंग डोमेस्टिक में भी होती नहीं, है ये बात नहीं करें, ये बात नहीं करें यार। 120 बॉलों पे 80 रन वाली इनिंग पाकिस्तान कप में निकालते हैं स्कोर कार्ड यार। ये तो बात ये है ना कि भाई फिर डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर देना, ये तो नेपोटिज्म तो आप भी कर रहे हैं। आप लग रहा है किसी के साथ, मुझे लग रहा है दोस्त को आप भी फेवर कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के हर उस लड़के की तारीफ करता हूं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हूं। उस्मान सलाउद्दीन मेरा दोस्त तो नहीं है, मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, वो तो वो उसका कोई कराची से ताल्लुक तो नहीं है। आना चाहिए टीम, ठीक है, आना चाहिए, आना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताए ना, 9000 रन उस बंदे ने किए हुए, क्यों नहीं खेलता जी पाकिस्तान? बिल्कुल, यस मैन सेलेक्टर के लैपटॉप होना चाहिए, सऊद शकील को भी होना चाहिए टीम में, होना चाहिए ना, होना चाहिए। खुर्रम मंजूर एक अब निकल गया टाइम। देखिए मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लड़का, या तो आप लोग सीधा सीधा टीवी पे आप कह दो, अगर आप में हिम्मत है, ठीक है, सीधा कह रहो, कह दो कि 36 साल वाला, 35 साल वाला, 34 साल वाला पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं होगा। अगर ये किसी में हिम्मत है कह दो भाई आके, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो, तो फिर सिलेक्ट क्यों नहीं होते भाई? होना जब उसकी रिप्लेसमेंट, इनके ड्रामेबाजी क्या है मैं बताता हूं, जब उसकी जगह इनके ड्रामेबाजी क्या होता है? नहीं नहीं, इनके ड्रामेबाजी क्या होती है, ठीक है, ये आते हैं टीवी पे, इनसे पूछा जाता है कि भाई फलाना प्लेयर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, अगर उसकी एज 34 साल है या 35 साल है, इनके ड्रामे होते हैं, ये हर चीफ सिलेक्टर के ड्रामे हैं। हमारी पाइपलाइन में किसने बोला वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकता? वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, वो परफॉर्म करेगा, वो जरूर आएगा पाकिस्तान टीम में। ये ड्रामेबाजी है, ठीक है, डिप्लोमेटिक तो जवाब देते हैं। अगर हिम्मत है साफ बोलो ना, आबिद अली 33 साल में हुआ ना डेब्यू, आबिद अली का, हाँ तो हुआ 33 साल में डेब्यू हुआ, तो जो जो जिस देखें, आपको भी पता है क्रिकेट में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आबिद अली कहाँ का है? जहाँ टाइमिंग हो, आबिद अली कहाँ का है? जहाँ कहाँ का है? जहाँ का भी हो, कौन से शहर का है? शहर से क्या फर्क पड़ता है? यही शहर से फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है शहर? यही 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 लड़का अगर कराची का होगा ना, मुझे तो लोग बोलते हैं तुम तासुबाजियों की बात करते हो, मैं तासुबाजी की बात नहीं करता। यही लड़का अगर कराची का होगा, फवाद उसको तो चाहे कोई भी इंजरी का प्रॉब्लम हो जाए, उसमें भी आता हूं मैं, इंजरी का प्रॉब्लम हो जाए या जो भी प्रॉब्लम हो जाए, वो एक दफा टीम से बाहर हो गया, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। अगर कराची से हट के कोई लड़का है किसी शहर का, वो टीम में वापस भी आएगा, वो इसी तरीके से उसको प्रैक्टिसें भी करवाएंगे और वहीं से वापस भी लेके आएंगे, ठीक है ना। उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस हो या ना हो, वो क्या बोलेंगे, ये जब टीम में था इसकी तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम में, हम तो लेके आ रहे हैं क्योंकि उस टाइम ये इंजरी या तो किसी वजह से बाहर हुआ था। शायद अहमद शहजाद और उमर अकमल, दूसरा आपने फवाद आलम की बात की, सुने आप? अहमद शहजाद को छोड़ देना, अभी अहमद शहजाद लाहौर निपटा लेना, फिर कराची आते हैं। देखिए देखिए बात सुने, अहमद शहजाद और उमर अकमल भी कराची से। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, अहमद शहजाद को अभी आप छोड़ें, मुझे पता है अहमद शहजाद की बात क्यों कर रही है।